अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पे भी होंगी खुश और आबाद होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कोलसन पास्ता। यहाँ मुझे जिन अज़ा की ज़रूरत है वो ये है: पिसी हुई काली मिर्च, पार्सले, क्रीम, हरी मिर्चें 3 अदद, कसूरी मेथी, कुटी हुई लाल मिर्च, थाइम, शिमला मिर्ची एक बड़ी वाली, इसको बारीक बारीक काट लें, 5 अदद लहसुन की जवें, इसको पतला पतला काट लिया है, चिकन है मेरे पास 1 पाव, पास्ता सॉस है ट्रेडिशनल, इसके अलावा ऑयल, 3 छोटे टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है, नमक है, पानी हसबे ज़रूरत, और आधा पैकेट मैंने पास्ता का बॉईल करने के लिए रख दिया है। पास्ता को मैंने बॉईल करते वक्त मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है, 1 चम्मच के करीब ऑयल और थोड़ा सा नमक डाला है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल 2 खाने के चम्मच के करीब। ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी लहसुन, यहाँ मेरे पास 5 अदद कटे हुए लहसुन की जवे है, ये मैं डाल दूंगी। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन सा करूंगी, हल्का सा कच्चापन जैसे खत्म हो जाए और हल्का का ब्राउनिश कलर का आने लगेगा तो मैं इसमें बाकी की चीजें ऐड करूंगी। अब लहसुन मेरा हल्का सा ब्राउनिश हो रहा है तो मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी चिकन। चिकन मैंने डाल दी और मैं अब चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर दूंगी और स्लो फ्लेम पे इसको भुनाई थोड़ी सी करूंगी। अब चिकन का कलर मेरा बिल्कुल चेंज हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले टमाटर पेस्ट, यानी कि टमाटर, 3 ताजे टमाटर की मैंने पेस्ट बना लिया था, ये मैंने डाल दिया। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, हसबे जरूरत, क्योंकि पास्ता के सॉस में भी नमक होता है थोड़ा सा, तो मैंने ध्यान से डालूंगी कि बहुत ज्यादा नमक ना हो जाए। इसके बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची कुटी हुई, पास्ता मेरा अच्छे से बॉईल हो चुका है तो मैं इसको छान के इसके ऊपर ऑयल डाल के ठंडा करने के लिए रख दूंगी, यानी कि छान के ऑयल डाल के मिक्स करके रख दूंगी ताकि एक दूसरे से। अब आप जैसे देख रहे हैं मैं इसको पका रही हूँ कि मुर्गी गल जाए। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी पास्ता सॉस, यहाँ मेरे पास पास्ता सॉस है तो इसको मैं डालूंगी और इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पास्ता सॉस बाहर का ट्रेडिशनल जो डालते हैं उससे बिल्कुल असल पास्ता का आता है टेस्ट। ये मैंने डाल दिया, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, इसको मैं हाथ से क्रश करके डालूंगी और क्रश करने के बाद इसका बहुत ही कसूरी मेथी का अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो यहाँ मैं डाली थाइम, और इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त होती है, और पास्ता में और दूसरी जो कुछ इटालियन आइटम्स हैं या कुछ और दूसरे डिशेज हैं उसमें तो इसकी खुशबू जो आती है ना, इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त होता है।
इसी के साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ब्लैक पेपर, एक चाय का चम्मच की करीब मैंने डाला है, और अब मैं इसे कर दूंगी मिक्स। और थोड़ी सी मैं डालूंगी क्रीम, ये मेरे पास क्रीम रखी हुई है तो वो मैं डाल रही हूँ, दो से तीन खाने के चम्मच के करीब। अब आप देख सकते हैं कि मेरा चिकन बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, और तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ अपना पास्ता। पास्ता को मैंने बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल के और एक से दो खाने के चम्मच के करीब ऑयल डाल के उसको रख दिया था तो वो चिपके नहीं। ये इसकी ट्रिक है, आपको पास्ता बॉईल करना है, स्पैगेटी है, कुछ भी है, आप इसको इसी तरह ही कीजिएगा तो कभी भी आपकी पास्ता या स्पैगेटी चिपकेगी नहीं। ये इसकी ट्रिक है। अब मैं इसको मिक्स करके इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्चें, ये मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें थी, ये डाल दी। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी पार्सले, ये मैं डाल रही हूँ, पार्सले में थोड़ा सा कम डालूंगी, और अब मैं सबको मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करके मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पर रख दूंगी धीमी आंच पे। अब मेरे पास्ता को बहुत अच्छे से दम आ चुका है तो अब मैं इसे निकाल के डिश आउट करके आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कोलसन पास्ता टोमेटो सॉस बिल्कुल तैयार है, और हाँ, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कभी स्नैक्स के टाइम पे ही आप लंच बॉक्स में आप बच्चों को ये बनाकर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिशेज़ ज़रूर पसंद आएंगी। अगर पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाने से पहले मेरे साथ एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलती हूँ नेक्स्ट डिश में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।